नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हो, आज हम फिर से एक स्नेक रेस्क्यू करने आए। तो नजरें थमा के रखिए, खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बहुत जल्द बताते हैं कौन सा सांप है, बने रहिए मेरे वीडियो में। हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ कोबरा देखा गया है, पर देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सा सांप है। अरे एक बार सब बांध लियो, बांध लो, आप थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़ी पास पर आ जाओ। हाँ, कोबरा ही है। yes. तो दोस्तों, ये कोबरा सांप है। इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा और हिंदी में नाग, और साइंटिफिक नेम है इसका नाजा। ये हाई वेनमस स्नेक है। तो आपको कैच करके बताते हैं। निकाल दी तो तो आप लोग देख सकते हो, इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहते हैं। खास तौर से आपको बताते हैं, ये एक नागिन है, ये नाग नहीं है। वैसे ये बिग साइज का नहीं, कम से कम 4-5 महीने का बच्चा है, बहुत छोटे सांप है। पर लेकिन इसके अंदर बहुत ही खतरनाक जहर है। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर ये काट लेना तो आपके पास 40 मिनट है, 40 मिनट के बाद आदमी की मौत हो सकती है, अगर एंटीवेनम ना मिला तो। शायद इसने कुछ खाया भी है लगता है, ये पलटी करने की सुबह निकला, इसकी मुंडा में एक वहाँ पर पड़ा। तो आपको बताते हैं ये किस तरीके से सांप अपना फन उठाता है। ये नागिन है, आप देख सकते हो कितना खतरनाक सांप है। ये जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होती है, जब हम इसके ऊपर अगर पैर रखते हैं इस तरीके से, तब ये बाइट करता है, तब ये काटता है। बाकी कभी कभी ये अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी भोजन की तलाश में एक दूसरे के घरों में आ जाते हैं। तो इसे आप डरो मत। अब आप पता है कोई महामारी चल रही है नहीं बीजू। कोई सा भी सांप हो आप, लेकिन जिस तरीके से मैंने हाथ में पकड़ रखा है, आप में से ऐसा कोई प्रैक्टिकल मत करना, क्योंकि अन्यथा मारा जाइएगा। ये जब भी इसके साथ छेड़छाड़ होती है, तभी ये बाइट करता है। तो आपको बता दें, ये अपने भारत देश का सबसे जहरीला सांप है। इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में भारतीय नाग काला सांप, और साइंटिफिक नेम है नाजा। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन जहर है, क्योंकि हाईली वेनमस स्नेक है। ये आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने इसको हैंडलिंग कर रखा है, आप सभी से हाथ छोड़ के विनती है कि आप ऐसा प्रैक्टिकल कभी मत करना। अगर कोई सीखने की इच्छुक रखता है तो आप उसे संपर्क करो, मैं सीख। करें
चलो यही हो अपनी